हम अक्सर जेईई में प्रिपरेशन के लिए अच्छी एडवाइस, गाइडेंस और स्ट्रेटेजी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। जब कोई गाइड करने वाला नहीं होता तो कभी दोस्तों की सुनते हैं, तो कभी उन रिलेटिव्स की एडवाइस को सीरियसली लेते हैं जिन्होंने खुद कभी एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिए। ऐसी ही गलती मैंने अपने 10th एग्जाम के बाद की थी। मेरे पेरेंट्स को एक रिलेटिव ने बोला था कि ज्यादातर बच्चे 10th क्लास के बाद की छुट्टियों में जेईई एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं और बाद में बस मॉक टेस्ट और रिविजन्स करते हैं। मैंने जोश में आकर इस एडवाइस को सीरियसली ले लिया और रिलेटिव्स की बताई किताबों से पढ़ने लगा। ये मेरी प्रिपरेशन की सबसे बड़ी गलती थी। मेरा पढ़ाई से मन ही उठ गया। मैंने जब 2-3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश की तो कोई टॉपिक ठीक से नहीं हो पाया। मूड पूरा ऑफ हो गया। अब पढ़ने का दिल ही नहीं करता था। इसी वजह से पूरी 11th क्लास वेस्ट कर दी मैंने। जेईई प्रिपरेशन कोई मजाक नहीं है, जो कि आप 1-2 महीने में पूरी कर लो उसमें टाइम लगता है और हर टॉपिक में आपको पेशेंस रख के मजबूती से पकड़ बनानी होती है। इसी तरह आपके दोस्त जिन्होंने खुद भी कभी प्रिपरेशन पहले नहीं की, वो आपको सही एडवाइस कैसे दे सकते हैं? उन्हें भी सुनी सुनाई एडवाइस कहीं और से मिली होती हैं और वो भी रैंडमली प्रिपेयर कर रहे होते हैं। जब कोई एक्सपर्ट गाइडेंस नहीं होती तो अपने दोस्तों की गाइडेंस हमें बिल्कुल सही लगती है। लगता है वो हमसे ज्यादा समझदार हैं और वो ही हमें जेईई में सिलेक्ट करवा सकते हैं, जबकि कंपटीशन की वजह से लोग अपने प्रिपरेशन के राज छुपाते हैं, कहीं उनके दोस्तों के नंबर उनसे ज्यादा ना आ जाएं। ऐसे में रैंडम एडवाइस पे आप कैसे रिलाई कर सकते हो? कोचिंग क्लासेस के टीचर्स के पास डाउट सॉल्व करने का टाइम नहीं होता, वो कहां से एक एक बच्चे को बैठा बैठा कर उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करते फिरेंगे। इसलिए दोस्तों आपको 1-on-1 एडवाइस, स्ट्रेटेजी, आपकी स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग का जिम्मा हम उठाते हैं। चाहे आप कोचिंग करो चाहे ना करो, सेल्फ स्टडी का कंट्रीब्यूशन आपके सिलेक्शन में सबसे ज्यादा होता है। इस सेल्फ स्टडी को बढ़ाने के सबसे बेहतरीन साइंटिफिक तरीकों से हम एफिशिएंट बनाते हैं। स्टडी प्लान्स को आपकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को ध्यान में रख के और जेईई मेन की वेटेज के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। कोचिंग क्लासेस की दिक्कतें, मॉक टेस्ट के स्कोर्स को सही तरीके से बढ़ाना, बैकलॉग्स को काबू करना, ये सारी चीजें आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती हैं। किसी मीडियोकर कॉलेज की जगह किसी अच्छे कॉलेज में आपको पहुंचा सकती हैं, आपके रैंक और आपके स्कोर को बूस्ट कर सकती हैं। आज ही इनरोल कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।